हाँ जी, टाइप थ्री की हम बात करेंगे व्हेन आर्गुमेंट इज डिफरेंट इन ए साइन थीटा प्लस बी, यहाँ बी भी है भाई, बी कोस थीटा। थोड़ी देर पहले टाइप सेकंड में हमने बात की, थोड़ी देर पहले मतलब कल बात की थी, सॉरी कल बात की थी हम टाइप टू की, और टाइप टू में आर्ग्यूमेंट सेम था। आर्ग्यूमेंट एंगल को बोला जाता है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ध्यान से देखिएगा, है ना, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट आपका एंगल को बोला जाता है। सुनिएगा, जो हमने टाइप सेकंड में बात की थी उसका जो फॉर्मूला, उसकी जो रेंज का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था सेम आर्ग्यूमेंट होने का। यहाँ टोटली डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है, अगर सेम आर्ग्यूमेंट होगा तो टाइप टू पे, और अब टाइप थ्री है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट का। इसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, इजी, इसकी तीन मेथड है ना, छोटी छोटी तीन स्टेप है इसकी, मेथड क्या है ना, तो मैं इसको एक आसान तरीके से लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा हाँ जी ध्यान से देखिएगा, है ना, मैक मैं लिख देता हूँ, आप साथ साथ लिख लीजिएगा, मैक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या करना है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक की, हाँ? सेकंड काम करना है आपको मैक होल स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, होल स्क्वायर में बनाना है। थर्ड स्टेप है इसकी, और ये लास्ट स्टेप है, यूज पॉइंट्स टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। हाँ जी, थ्री स्टेप है। पहली स्टेप है जो आर्ग्यूमेंट अगर डिफरेंट है तो आर्ग्यूमेंट सेम बना लेंगे, उससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन से हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और परफेक्ट स्क्वायर से फिर ये इम्पोर्टेंट है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे जस्ट अभी, तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स की बात की जाती है, क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा के और कोस थीटा के तीन क्रिटिकल पॉइंट है। सर तीन क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं, साइन मैक्सिमम वन देता है, जीरो देता है, और माइनस वन देता है, तीन वैल्यू देता है, तो कहां कहां देते हैं, पाई बाई टू पे है, जीरो पे है, और पाई पे, तीनों वैल्यू यही देता है दोनों मिला के, तो ये इनके क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट्स है ना। टेन के भी क्रिटिकल पॉइंट देख लेंगे, एक तो माइनस इन्फिनिटी होता है, एक जीरो होता है, और एक प्लस इन्फिनिटी होता है, कोट के भी इसी तरीके से होते हैं, सेक और कोसेक की बात की जाती है तो इन्हीं तरीके से इनके क्रिटिकल पॉइंट से बना दिए जाएंगे।